बहुत बढ़िया। यहाँ से पानी ठंडा हो जाता है ना। गाड़ी यहाँ लगाते हैं कर दिया भाई। भाई। देसी जुगाड़ फ्रीज गाड़ी यहाँ लगा रोड पे खड़ा है। यहाँ पे फ्लैश जल रहा है तिवारी जी आपका, कब से दिक्कत कर रही है? कल से कर रही है, स्टार्ट होती है बंद हो जा रही है, बस प्रॉब्लम है। इंजन दिखाओ, स्टार्ट होकर बंद हो जा रही है। सेल्फ भी बहुत आवाज कर रहा है, सेल्फ स्टार्टर मोटर, ये तो डीजल की तरह बोल रहा है इंजन। स्टार्ट होके जो है ना बंद हो जा रही है। हाँ। तो पहले एक बार सीएनजी पे स्टार्ट करके देखेंगे रुक रही है कि नहीं। डायरेक्ट दबा के रखेंगे सीएनजी पे स्टार्ट हो जाए। हो गई, सीएनजी पे स्टार्ट हो गई। चेक इंजन लाइट आ रही है, इधर दिखाओ चेक इंजन लाइट, अंदर से दिखा लो। ये चेक इंजन लाइट आ रही है, अब देखते हैं पहले कि आखिर पेट्रोल पे इसकी कहानी खराब क्यों। खाली पेट्रोल पे दिक्कत कर रही है, सीएनजी पे भी कर रही है? दोनों पे कर रही है ना। ठीक, तो हम इसको स्कैन करेंगे, सबसे पहले देखेंगे फॉल्ट क्या है। फॉल्ट से ही पता पड़ेगा। ये मारुति डायग्नोस, ये देखो दुड़ुम 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 दुड़ुम, पूरी गाड़ी हिल रही है। मिसिंग है ना, बहुत तगड़ी भाई। तो हल्की फुल्की वाली कोई न्यू मॉडल, पहले फॉल्ट देखते हैं कि क्या है। रेस भी बढ़वाए हैं क्या आपने? हाँ, थोड़ा सा जब बंद रही होती, जब बंद हो रही थी इसकी वजह से रेस आपने एक जगह, मैंने क्योंकि हमें पता नहीं था कि बंद क्यों हो रही है, तो मैंने उसने उसको पता नहीं चल रहा था। अच्छा, उस मिस्त्री को। अच्छा, तो मैंने कहा रेस ही बढ़ा दो यार, कुछ कैसे करके मिस्त्री तक पहुँच जाऊँ मैं। अच्छा अच्छा, तो कहाँ दिखाए थे इसको? ये मैंने सेक्टर 10 में दिखाया था। अच्छा, उसने तो कुछ प्लग व्लग कुछ डाले हैं कि नहीं? नहीं, मैं इंजन में कुछ काम नहीं करवाया, बस वो कह रहे हैं कि भैया स्कैनर हमारे पास कोई याद नहीं है, आज छुट्टी है, मैं कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, हाँ हाँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैं जिसका मालिक से बात किया तो बोल रहे ठीक है, मेरा एक जानने वाले हैं, अच्छा जानते हैं, आप उन्हीं के पास जाओ और वो एक मिनट के अंदर, क्योंकि उनसे पहले हमारे पास क्विड गाड़ी थी। अच्छा, मेरे से कराए थे? हाँ, वो क्विड गाड़ी थी, ढूंढने में परेशानी हुई लेकिन ठीक है। ये दिखाओ 107 मैप सेंसर का दिखा रहा है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट, अरे हट जा, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी मैप सेंसर का फोल्ट कोड दिखा रहा है, वो भी करंट में दिखा रहा है। करंट लिखा हुआ ना 00, पास में दिखाओ। चलो अब कन्फर्म कैसे करेंगे, मैनिफोल्ड का प्रेशर ही गड़बड़ है। इसके लिए लाइव डेटा रीडिंग, इंजन स्पीड, फोल्ट कोड मैप सेंसर का, चालू हो जा। आरपीएम बढ़ रहा है, मैप सेंसर की रीडिंग 1 दिखा रही है, यानी कि मैप सेंसर काम नहीं कर रहा है। और मैप सेंसर काम ना करने का कारण क्या है, ये देख रहे हैं ना, एक यहाँ आना चाहिए 21 प्लस होना चाहिए और 40-45 से नीचे होना चाहिए। दुड़ुम दुड़ुम कर रही है, इसका मतलब है कि मैप सेंसर का फॉल्ट है गाड़ी के अंदर, डेफिनेटली बंद भी हो गई अपने आप। ये है भैया मैप सेंसर, इधर दिखाओ, इसका पहले तार टूटा हुआ है, ये देखो तार ही फर्स्ट में दिख गया, सामने मैप क्लियर करो, हो रहा, देख रहे हो ना, एक तार ही अलग हुआ पड़ा है, इसके लिए फॉल्ट दिखा रहे। हाँ, तो जिसके पास सेंसर स्कैनर नहीं था ना, इसलिए नहीं पकड़ पाए हो। स्कैनर रहता हर मिस्त्री के पास हर चीज़ थोड़ा नहीं होती है। हाँ हाँ, इसी वजह से है। मैप सेंसर का तारा भी जुड़वाता हूँ, इनारा टूट गया, पहले भी तो किसी ने रिपेयर कर चुके हैं भाई सभी। अब ये देखिए, ये टैक्सी गाड़ी है भैया, ये एक जगह तो रुकती नहीं है। ठीक है, मैप सेंसर का तार को रिपेयर करवाते हैं अभी, ये फॉल्ट है। इसका कोई एक माई बाप तो बन नहीं सकता, सुधर गई पूरी, साइलेंट ना होगी। रेस कितनी है ज्यादा है? अब होगी, ठीक होगी ना, पेट्रोल पे ही देखते हैं। अरे अब तो गजब हो रही है पेट्रोल पे, अभी सीएनजी देख रहे हो पेट्रोल पे है, दिखाओ इधर मुझे, लाल लाइट जल रही है, यानी पेट्रोल पे स्टेबल हो गए, पेट्रोल पे रुक नहीं रही थी ये गाड़ी। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, इधर दिखाओ देखे जरा, पेट्रोल है इसमें कि नहीं? है उतनी है कि अभी इसकी ये रुक नहीं रहे थे पेट्रोल पे, बहुत बुरा चल रही थी। रीड फॉल्ट कोड 108 हिस्ट्री, 107 हिस्ट्री, 560 हिस्ट्री, यानी काम करने में 3 फॉल्ट कोड आए हैं, तीनों हिस्ट्री में गए हैं। क्लियर दिखाओ हिस्ट्री। हाँ, ये चीजें जो पब्लिक को जो ना ये दिखनी चाहिए ना हिस्ट्री, कि यार हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में कोई भी चीज़ जाएगी
तभी सही है, यदि वो हिस्ट्री में नहीं जाएगी तो किसी काम का नहीं है। अब इसका क्लियर फॉल्ट कोड करेंगे, लेकिन यस करेंगे कब, जब हम गाड़ी को बंद करके इग्निशन ऑन कर लेंगे। जो क्लियर फॉल्ट कोड करें वो अपना बंद गाड़ी में करें। तो क्लियर फॉल्ट कोड हमने कर दिया, बिल्कुल गाड़ी झकास हो गई भाई, फॉल्ट था मैप सेंसर का। रीड फॉल्ट कोड करके देखते हैं एक बार, रीड फॉल्ट कोड नो डीटीसी, यानी कोई भी ट्रबल कोड नहीं है। स्टार्टिंग बढ़िया हो गई, पेट्रोल पे है, नीचे पेट्रोल की लाइटें जल रही है। अभी सीएनजी ब्लिंक करने लगा, यानी अभी सीएनजी पे आएगा, ठीक है। अब आरपीएम किसी ने फुल कर रखे, अब कम करूंगा। मैंने बताया ना, वो मजबूरी बची है मेरी करवाने की। अच्छा। चली आती नहीं, वो मेरी प्रॉब्लम थी ना। मैंने उससे कहा बंद नहीं भाई, मेरे जो तो भाई उसके पास कोई जुगाड़ नहीं था, उसने एक छोटा मोटा भाई। हाँ नहीं ना, सही है, मिस्त्री भी अपने तरफ से हर आदमी सही करता है, कोई गलत नहीं करता। मैं आरपीएम घटाऊंगा क्योंकि आरपीएम ज्यादा आरपीएम इसमें तो हर एक डेटा दिखता है। अभी वो भी डेटा देखना है ना, जो पहले इंजन स्पीड अब मैप। ओके, ये मैप का एक दिखा रहा था, अब मैप दिखा रहा 29, स्पीड दिखा रहा 2200। डेटा पांच में करो बिल्कुल ही 00। हाँ दिखाओ, हाँ इंजन स्पीड 2200, मैप सेंसर 29, पहले एक दिखा रहा था वो कमी थी, अब सुधार दी, बढ़िया दिखाने लगा, गाड़ी भी हमारी बढ़िया हो गई। बंद करना जी जरा, ये तो बोल्ट ही स्लिप किया हुआ है। अरे फ्लैट लेके आओ जरा, बोल्ट पूरा स्लिप किया हुआ है ऑलरेडी। अब देखिए भाई साहब, ये हम मिस्त्री की ही काम करते हैं। नमस्ते सर जी, कैसे हैं? बढ़िया, आप सुनाइए। सुबह सुबह आए नहीं थे आप अभी? अब पेट्रोल पे ही करो स्टार्ट, 1000 से थोड़ा सा नीचे ले आओ। नौ सौ पचासी। हाँ तो ठीक है, कितना आया? 1072 आ रहा है, थोड़ा सा कम करना। कितना है? 855, 56, 57, 74, 900। अब ठीक है? हाँ ठीक है, अब है? अब ठीक है, ठीक है। हाँ एसी ऑन करके देखते हैं। हाँ एक बार एसी ऑन कर। एसी पर 800 के करीब में जा रहा है, ठीक है जी, सही है। हाँ इसका एसी कंप्रेसर का बैरिंग भी मुझे लग रहा खराब है। अच्छा हाँ बैरिंग। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। इसका थोड़ा क्लच देख लेना आप, क्लच थोड़ा सा है ना गड़बड़, क्लच लेने में खरखर कर क्यों कर रहा है? बैरिंग खराब है, क्लच बैरिंग। तो अभी बिल्कुल सेट है, साइलेंट भी हो गई गाड़ी। कुछ गड़बड़ी है इसके। किसके? क्लच का बैरिंग टूट रहा है मुझे लग रहा है। क्लच का बैरिंग टूट रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ वही तो, क्लच बैरिंग सही है? क्लच बैरिंग खराब है, क्लच बैरिंग डलवाना पड़ेगा। अभी चलेगी? अभी चल रही थी कि नहीं? हाँ तो चल रही थी, तब चलेगी। नहीं चल रही होगी तब तो नहीं चलेगी। नहीं अभी तक चल रही थी, जो क्लच लेने खर कर रही थी उसका मतलब पूछ रहा। वो बैरिंग का है, बैरिंग डलवाना पड़ेगा इसका। अच्छा हाँ चलो जी, गाड़ी हो गई आपकी बढ़िया। क्या हुआ? पेट्रोल पे तो बिल्कुल ठप थी, अब बिल्कुल पेट्रोल पे बढ़िया हो गई गाड़ी, इसलिए बेहतरीन हो गई और सब कुछ सेटल कर दिया। खाली मैप सेंसर का फॉल्ट था, तो डायग्नोसिस जो है वो अच्छा होना चाहिए, बाकी प्रॉब्लम तो बड़ी चीज़ नहीं है यार, तो कोई भी कर लेगा, पर डायग्नोसिस अच्छा होना चाहिए। हमारा तो पॉइंट ही रहता है जड़ से इलाज, जड़ देखो पहले कि जड़ में क्या पंगा है।
ठीक है जी, बिल्कुल चलो जी उसका जी। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो अभी कई सारी है, एसी कंप्रेशर का बैरिंग का आवाज है, क्लच के बैरिंग का आवाज है, और थोड़ा सा सर्विसिंग है इस गाड़ी की, इसका ओवर हीटिंग कर रही है, रेडिएटर क्लीन कराना पड़ेगा। अच्छा। गाड़ी गर्म, पंखा बार बार नहीं चल रहा है, देखो कितना जल्दी जल्दी चल रहा है, तो ये ओवर हीटिंग कर रही है, टैप रेडिएटर भी कराना पड़ेगा। हाँ, तीन चार कमियाँ है जो आप करवाओगे तो अच्छी बात है, बाकी तो आपकी गाड़ी साइलेंट है।